हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म केसरी इस हफ्ते थिएटर्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर फैंस में भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। ट्रेड एक्सपर्ट की माने तो फिल्म के क्रेज को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि ये फिल्म पहले दिन 18 से 20 करोड़ तक की ओपनिंग दे सकती है। बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्मों का फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है और जब फिल्म देशभक्ति के रंग से लिपटी हो तो बात कुछ और ही होती है। दरअसल साल की शुरुआत में ही उरी और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जैसी देशभक्ति के रंग से भरी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। ऐसे में हर किसी को उम्मीद है कि ये फिल्म पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर लेगी। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में बनी इस फिल्म को लगभग भारत में 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। साथ ही फिल्म का बजट भी लगभग 80 करोड़ बताया जा रहा है। बता दें कि केसरी के साथ कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, ट्रेड एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल सकता है। अगर लोगों को फिल्म का कंटेंट पसंद आया तो ये अक्षय की बाकी फिल्मों से ज्यादा कमाई कर सकती है। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म केसरी बैटल ऑफ सारागढ़ी पर बेस्ड है। केसरी उन 21 सिख जवानों की कहानी है जिन्होंने 12 सितंबर 1897 में अपनी वीरता और जाबाजी से 10,000 अफगानियों से लड़ाई कर सारागढ़ी को बचाया था। फिल्म में अक्षय हवलदार ईशान सिंह के रोल में नजर आएंगे। वहीं परिणीति चोपड़ा अक्षय की पत्नी का रोल निभा रही हैं। बता दें कि केसरी 21 मार्च को रिलीज होगी। वेल, देखने वाली बात तो अब ये है कि केसरी पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वैसे आप केसरी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रिसर्च रेफरेंसेस आपने क्या क्या लिए, कैसे इसको बनाया? सी, रिसर्च बेसिकली तो इस इंसिडेंट के बारे में एक आजकल गूगल बाबा हैं जिनसे बहुत कुछ मिल जाता है पढ़ने में, तो वहाँ था। बट देर आर बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। कुछ एक दो बुक्स हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के उस टाइम की एक बायोग्राफी है, एक कुछ इस टाइम के अकाउंट्स जो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे अफगानिस्तान में जो इनकी ग्रेट गेम चल रही थी जो लेटर ऑन विच बिकेम कोल्ड वॉर, तो उसके बारे में जो बुक्स अवेलेबल थी एक दो वो पढ़ी हमने, मैंने और मेरी टीम ने। फिर पंजाबी में एक बुक है जो हमारे एक जान पहचान वाले हैं, उन्होंने हमको प्रोवाइड की, वो पढ़ी गई। फिर एक सीएम है पंजाब के जो करेंटली, ही इज़ ऑल्सो एन आर्मी मैन, उनकी बुक थी, दैट ऑल्सो वी वेंट थ्रू जस्ट टू गेट अ फील ऑफ दैट पीरियड कि क्या क्या किस तरह का माहौल था क्या था। तो बेसिकली जो जो एज फार एज द टेक्स्ट इज कंसर्न, ये चीज़ें सारी मटेरियल रिसर्च करके, बाकी ऑफ कोर्स आपकी पिक्चर्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ बहुत कम पिक्चर्स हैं उस टाइम की अवेलेबल, तो उनसे उनको रेफर किया गया। और भी इधर उधर जैसे आर्मी की कुछ टैक्टिक्स या ये वो, तो कुछ भी टॉक टू सर्टन आर्मी मैन ऑल्सो जस्ट टू फाइंड आउट वेदर दे कैन गिव अस सम डिटेल्स। सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च काफ़ी इस तरह से इस पर की गई है। परिणीति, मेरा सवाल आपसे है, जहाँ तक केसरी का सवाल है तो ये शौर्य और शक्ति का प्रतीक तो है ही, साथ ही इसे प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है क्योंकि गेरुआ रंग या केसरी रंग ऐसा कहा जाता है, तो इस फिल्म में जिस तरह का प्रेम है वो आपने शायद सेल्यूलाइट पे पहली बार किया है क्योंकि ये बहुत उस दौर का था, तो वो करने में आपको कितनी डिफ़िकल्टी आई या कितने आराम से आप कर पाए? एक्चुअली जैसे अक्षय सर हमेशा बोलते हैं, हम लोग ने कुछ मेहनत नहीं की, सब मेहनत अनुराग सर ने की, एंड हम लोग सेट पर पहुंचे एंड ब्लाइंडली हम उनको मानते थे क्योंकि सचमुच आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी उस एरा के बारे में उतनी नॉलेज है जितनी शायद अब अनुराग सर को है, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक रिसर्च करने के बाद पिक्चर लिखी, डायलॉग्स लिखी और आज डायरेक्टर भी हैं उस फिल्म के। सो लिटरली सेट पर पहुंच के मैं कोई भी ऐसी चीज़ खुद से नहीं करती थी जब तक मैं इनसे 50,000 सवाल नहीं पूछ लेती, इनका इंटरव्यू नहीं ले लेती हर सीन से पहले, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ कैरेक्टर एट ऑल, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ल्ड दैट आई डेंट वॉन्ट टू इम्प्रोवाइज इन, आई वॉन्टेड टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। येस, शी इज़ अ पंजाबी गर्ल, शी इज़ अ सरदारनी, तो अप्रॉक्सीमेट वर्ल्ड मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक उस टाइम की लव स्टोरी बहुत अलग है। उस टाइम हाथ छूना या एक दूसरे की आंखों में आंखों देखना वो इतनी कॉमन चीज़ें नहीं थी, वो मतलब
बहुत बड़ी चीज़ें मानी जाती थी. तो उस तरह का कैरेक्टर करने में मुझे बहुत मज़ा आया. एंड हमारा जो रिलेशनशिप है फिल्म में वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इवन दो 1897 की पिक्चर की स्टोरी है, फिर भी हमें एक बड़ी अमेजिंग फ्रेंडशिप है. देर इज़ नो अनईक्वल रिलेशनशिप ओवर हियर, विच इज़ अ वेरी जीनियस मूव बाय अनुराग सर, दैट ही इज़ नॉट शोन दैट टिपिकल कंजर्वेटिव पति बड़ा है और पत्नी नीचे है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाया. बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड्स हैं ये दोनों, यू नो. सो या आई रियली एंजॉयड दिस अमेजिंग कैरेक्टर दैट अनुराग सर रोट. We have last two questions, ladies and gentlemen. Hi, you know, this is Priyanka from Indian Express. Anurag and Akshay, I have question both for both of you. Anurag, for you, you know, you of course you made your Bollywood debut in 2007, and then it took you like 12 years to come with your next Hindi film. And in the meantime, you became this big Punjabi director. You know, you are one of the best Punjabi contemporary directors. Thank you for saying that. No, but I do mean it. But for you then to come here and direct these two, you know, A-listers of Bollywood, how was it? I mean, was it like, did you feel like an outsider? Or I mean, what this experience does to the confidence of a filmmaker who's, you know, at back home is considered one of the best? See, initially when I was approached, you know, to be honest, I was like really scared. You know, it's a big film. I've never attempted anything like this. But as far as the confidence part of it goes, you know, when you start thinking in these terms, you know, when you think, oh, holy shit, you know, it's Akshay sir who's acting in it. There's Pariniti ma'am who's there, and Karan sir is backing it. Dharma is backing it. So that in itself gives you a lot of confidence that, okay, you know, maybe I don't have confidence in myself, but if these people are backing me, maybe then I might be able to do it. You know, so that pushed me, like I got, okay, you know, agar ye log back kar rahe hain mere ko, and if these people are thinking that I can make a good film, then maybe I can, you know. So then you think about it and then you pick yourself up and then you try and meet the challenge, you know. You try and make something that these people will be proud of. You know, these people who have shown so much confidence in me, who have, you know, just out of the blue, just told me one day, okay, you are making this film, this huge, huge film, and such an important film also. So, unke confidence mein mujhe zyada confidence aa gaya ki yaar, theek hai, you know, if these people are thinking like that, then I should just put my heart and soul into it and hope to God that, you know, we make a good film, which I think we have, even if I'm saying so myself right now. But I think we have made a film that has come straight from the heart. Right. Akshay, to you, you know, you recently said that how it's not right to ask for proofs from army for strikes. But do you think that we today in India, we are living in times when questions asked to the government are mistaken as questions asked to the army? My question is, do you believe that in today that we are the India that we're living in, where we ask questions to the government, they are mistaken for the questions asked to army? I mean, they assume that we are not asking the government, we are asking proofs from army, while we are actually directing our questions to the government. But I've given the answer earlier. I don't think so, it's right, that's it. No, I am saying that you said that we shouldn't be asking for proofs from the army, which is correct. But do you believe that today, whenever someone that questions is all the into government... politics, and I'm not getting into politics, ma'am. I just give an answer that I don't... I mean, as an individual, I just think it is not right. That's it. I don't have an answer more that to give it because I'm not a politician. Okay. Thank you. Akshay sir. We have just one last question, Akshay, ladies sir, and gentlemen. Here. So, you know, he said, Karan sir said that in the beginning before introducing you, that you were the only choice for the first choice for the film. Everybody would agree that the amount of work that you do for the welfare of army men and martyrs, I don't think anybody in India does it, not just actors. Does this emotionally draw you towards subjects like these, where you want to tell stories which people don't know about? You know, like you said, that we don't know about the Battle of Saragari. I mean, so looking at this subject, who wouldn't want to do this? Who wouldn't want to be a part of this? It's a huge, it's an amazing subject. It's about courage, and it's a real subject. And even when I heard about Airlift, I still remember, and I just went for it. I was shocked. I mean, so that nobody knew about it. Even the media didn't know about Airlift. There was, when I googled about Airlift, what happened, there was only one article about that thing, that India went inside a war zone and brought 1,70,000. And after the movie released, there were millions of articles on it.
So, and about same goes with Saragadi also. Not many people knew about it. They just knew a little bit vaguely. And so this is a beautiful subject. And I was like, when once I heard about it, I said, I just want to do it over hook or by crook. I'm just going to be part of this film. Karan, sir.